प्रेलूड पब्लिक स्कूल में उद्यान सालिनी केयर की द्वितीय इंडक्शन सेरेमनी का आयोजन किया गया। दिनांक 30 अक्टूबर को आयोजित द्वितीय इंडक्शन सेरेमनी में निर्धन वर्ग की 30 छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु 5 वर्ष के लिए गोद लिया गया है। अपने भविष्य में कुछ अच्छा करने के सपने पाल रही मेधावी चयनित 30 छात्राओं के चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से देश की बेटियों ने मन की उड़ान को खूबसूरती से प्रदर्शित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IAS दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के MD और विशिष्ट अतिथि समाज सेवी उद्यमी रंजना बंसल को सम्मानित किया गया। इंडक्शन सेरेमनी में आए अतिथियों ने कार्यक्रम की खासी प्रशंसा की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से देश की बेटियों को बल मिला है। द्वितीय इंडक्शन सेरेमनी की विशिष्ट अतिथि समाज सेवी रंजना बंसल ने कहा कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्वतंत्रता पर तमाम पाबंदियां थी, लेकिन संविधान ने महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार देकर महिलाओं को विकास का रास्ता दिया और कार्यक्रम में आई छात्राओं को स्वतंत्रता के साथ पढ़ाई कर अपने और अपने देश का नाम रोशन करने की सीख दी। प्रेलूड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर सुशील गुप्ता ने सेरेमनी की विस्तृत जानकारी देते हुए छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की बधाई दी। डॉक्टर सुशील गुप्ता उद्यान शालिनी केयर का मैं चीफ एडवाइजर भी हूँ और प्रेलूड पब्लिक स्कूल का सारा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडियो सिस्टम स्टाफ सब उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उद्यान शालिनी एक अपने आप में बहुत अलग NGO है। मैं बहुत NGO से जुड़ा लेकिन ऐसा NGO मुझे और कोई नहीं मिला। इसके अंदर हर साल हम 50 लड़कियों को चुनते हैं, वो लड़कियां जो कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ती हैं क्योंकि उनको फीस नहीं देनी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो तबका को हम एंटरटेन करते हैं जो कि पढ़ाई आज के बच्चे नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन बच्चों का रिटन टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर उनकी होम विजिट होती है। तो इस तरह से इन शालिनीज को 5 साल के लिए अडॉप्ट किया जाता है और उसके साथ साथ उनको जो है वो हर तरह की सुविधा दी जाती है और उसके साथ साथ हर तरह की उनको सुविधा दी जाती है। इसके साथ साथ उनके साथ में वर्कशॉप्स होती है और जो हमारे मेंटर्स आगरा की वो लेडीज़ जो कि अपने क्षेत्र में बहुत उन्होंने नाम कमाया है वो मेंटर्स बनती हैं और उनको कोई हम किसी तरह का कोई भी रिनोमिनेशन नहीं देते हैं। इसका ये बात द्योतक है कि प्रोग्राम इतना अच्छा है कि हमारे यहाँ इतनी मेंटर्स जुड़ गई हैं और वो इन बच्चियों को आगे ले जा रही हैं। 23 शहरों में ये ऑलरेडी चल रहा है, 11,500 लड़कियाँ ऑलरेडी शालिनी बन चुकी हैं और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं शालिनियों में से IAS और PCS और बड़ी बड़ी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में शालिनी जाती हैं। उद्यान शालिनी फेलोशिप प्रोग्राम एक लीडरशिप कम एजुकेशन प्रोग्राम है। इसके तहत ये प्रोग्राम 20 साल पहले शुरू हुआ था 2002 में दिल्ली में 72 लड़कियों के साथ। आज ये प्रोग्राम 13 स्टेट्स एंड 31 सिटीज तक पहुंच चुका है जहां 13,000 से ज़्यादा बच्चियां इस प्रोग्राम के द्वारा लाभान्वित हुई हैं। इन्हें हम गवर्नमेंट स्कूल से चुनते हैं, उसके बाद थ्रू अ कंप्लीट प्रोसेस 5 से 6 साल इन बच्चियों को मदद की जाती है जिससे कि वे अपनी इच्छा के द्वारा चुना हुआ सब्जेक्ट पूरा कर सकें और जीवन में कुछ बन सकें। उसके लिए उन्हें पर्सनल मेंटर्स दिए जाते हैं जो उनसे बराबर बातचीत करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। इन बच्चियों को तरह तरह की कार्यशालाओं के द्वारा एक्सपोजर मिलता है लाइफ स्किल्स पे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे, जिससे कि दे बिकम जॉब रेडी आफ्टर 6 ईयर्स। व्हेन दे लीव द प्रोग्राम दे आर रेडी टू ज्वाइन एनी बिग कॉरपोरेट और एनी अदर फील्ड। इस तरह से इस प्रोग्राम में करा जा रहा है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है टू गिव बैक, क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा खाली रिसीवर ही ना रहे बल्कि रिसीवर से गिवर बने। इसीलिए शुरू दिन से हम लोग बच्चों को सोशल वर्क के प्रति एक्सपोज करते हैं जिसे 5 से 6 साल की ये जर्नी जब वो हमारे साथ हैं बाहर जब तक वो निकलें औरों के लिए भी जीना सीख सकें।